माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल्स जो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स करने वाली है। और आप इस एक्सेल को सीखकर अगर आप इस स्टार्टअप बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, जो अकाउंटिंग का काम है या कुछ भी बिजनेस। मैं आपको एक फाइलों का कलेक्शन भी दूंगा हमारे स्क्रीन। बूस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी ब्रॉट यू बाय वन टाइम इन्वेस्टमेंट IVR मशीन। इन दिस IVR मशीन यू कैन प्रोफेशनली मैनेज ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स ऑफ योर बिजनेस। You can use more features and facilities like welcome voice calling, IVR call routing, voicemail, outbound voice broadcasting, productive auto dialer and on call recording. For more details call our number. पर दिए हुए नंबर पे आप टेलीग्राम करिए तो हम आपको इसका डाउनलोड लिंक आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, बट आपको पासवर्ड लेने के लिए हमें आपको उस टेलीग्राम लिंक पे हेलो भेज रिक्वेस्ट भेजना होगा, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी फाइलें उपलब्ध करा देंगे। ये फाइलों में क्या होगा कि सबसे पहले एक्सेल में क्या होता है कि एक एड्रेस बुक, पर्सनल एड्रेस बुक्स बना सकते हैं, एड्रेस बुक का अपना बिजनेस वाला भी बना सकते हैं, कैश फ्लो सीट बना सकते हैं, GST इनवाइस का स्पेशल फॉर्मेट्स आपको मिल जाएगा, उसके जरिए आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है GST एनवाइस का एक अलग फॉर्मेट्स भी बना सकते हैं, जिसको प्रिंट करके आप चाहे तो कागज़ पे अपना लिख के किसी को दे सकते हो, वैसा भी आप GST इनवाइस फॉर्मेट। उसके अलावा नॉर्मल बिलिंग फॉर्मेट्स बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ ये ईयरली बैलेंस शीट बनाने के लिए भी दिया गया है कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सेल नहीं जानते कुछ भी, तो आपको अकाउंटिंग करने में के अकाउंटिंग या CA अकाउंटेंट हायर करने की समस्या हो रही है, तो ऐसी समस्या से वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो इस चीज़ से आप निजात पाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा समय देकर इस पूरी वीडियोज़ को, 1 आवर्स की वीडियोज़ को आप पूरी तरह से देख लीजिए और 2-4-10 दिन आप उसको देख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसके जरिए आप जो है अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं, GST इनवाइस कर सकते हैं, नॉर्मल बिलिंग का सारा हेल्प आप इस एक्सेल सॉफ्टवेयर के जरिए ले सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये एक्सेल 2007 है जो आपको यहाँ पे खोला गया है यहाँ पे और ये दिखाई दे रहा है, तो ये आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी ले सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, उससे भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है boostbrain.in। हमारी वेबसाइट पे आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स पे जाएंगे तो आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा। MS Office का फुल पैकेज आपको एक्टिवेटेड 2007 मॉडल का आपको ऑफिस का मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं 12 नंबर पे, यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका पासवर्ड और एक्टिवेशन की वगैरह चाहिए तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर टेलीग्राम पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, हमारी वेबसाइट boostbrain.in डाउनलोड्स पर जाकर आपको 12वें नंबर पे ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आपके बिजनेस के लिए अकाउंटिंग का मसला जो सॉल्व करना है उसके लिए। बूस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी Brought you by one time investment IVR machine. In this IVR machine, you can professionally manage all incoming and outgoing calls of your business. You can use more features and facilities like welcome voice calling, IVR call routing, voicemail, outbound voice broadcasting,
productive auto dialer and on call recording. For more details, call our number. ऑफिस एक्सेल 2007 आपको डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको जो फाइल्स से क्रिएट करनी है और समझनी है, तो सबसे पहले मैं एक्सेल का जो रूप है, यहाँ पे जैसे कोई भी फाइल आप बनाते हैं सेव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कॉमनली आपको आती भी होंगी। चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि हर जगह पे जहाँ पे भी हम माउस लेके जा रहे हैं वहाँ क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे सेल सेलेक्ट हो रही है और सेल का एड्रेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर रहे हैं तो जैसे ये, तो अब यहाँ पे कॉलम, जैसे हर कॉलम का एक नाम होता है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ऐसे आपको बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर आप जो है कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, इसको आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छे से इसको सीख के यूज़ करिए। आपका स्टार्टअप बिजनेस का कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना है, कोई बिलिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के जरिए आप अपना पूरा बिलिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह सारा चीज़ आप बैलेंस शीट तक का कार्य कर सकते हैं, इतना आसान ये सॉफ्टवेयर है। और ये कॉलम आप लोगों को पहचान में आ गया कि ये नंबर वाइज आपको अल्फाबेटिकली दिखाई देता है और नंबर वाइज आपको रोज दिखाई देती है। आपको हर रो का यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है। अब हर एक रो में क्या हो रहा है कि एक एक सेल क्रॉस हो रही है। हर सेल का देखिए, आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो हर सेल का एड्रेस क्रिएट हो रहा है। जैसे सी है, फोर है, तो इस सेल का एड्रेस C4 होगा। अगर A है और 1 वाला है तो इस सेल का एड्रेस क्या है, A1 होगा। तो इस तरह से आप जो है ना, इस हर सेल का एड्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक सीट बनी हुई है, दूसरी सीट है, ऐसे बहुत सारी सीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं और एक सीट में लाख करोड़ों डेटा आप इनबिल्ट कर सकते हैं, अलग अलग फाइल। तो आपको बहुत सारी सीटों की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही सीट में आपका काम चल जा सकता है, अगर आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर का जो होता है आपका, यहाँ पर आपको अलग अलग मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। इसी मेन्यूज़ में सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, इसी टूल्स के हिसाब से आपको मैनेज, कभी कभी ऐसे दिखाई देता है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपको फिक्स हो जाता है। तो ये मेन्यूज़ दिखाई देने लगते हैं, सारे सारे टूल्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं, जैसे ए बी, इस तरह से आप कुछ भी किसी का नाम लिख देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से किसी का भी नाम लिख सकते हैं और इसकी कुछ आवश्यकता मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से डेटा बनाना है तो आपको हमारे यहाँ बना बनाया सीट्स, आपको पर्सनल एड्रेस बुक, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल एड्रेस बुक मिल जाएगी, यहाँ पे ओपन होके मिल जाएगी। तो ये पर्सनल एड्रेस बुक आप बना सकते हैं। पर्सनल एड्रेस बुक बनाने से क्या होगा कि यहाँ पे आप किसी का भी, यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज नहीं दिखाई दे रहा, आप एक बार व्यूज़ पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक्सेल का पूरा फॉर्मेट्स दिखाई देने लगेगा। एड्रेस बुक की इस तरह से बनाया गया है, बहुत आसान है। इसमें आप अपना मतलब अपने क्लाइंट्स का, अपने पर्सनली जो भी लोग कॉन्टैक्ट हैं उनका वर्क, सेल्स, होम, ईमेल, बर्थडे, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, पिन कोड, नोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। मैं आपको और भी फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। एड्रेस बुक अपने बिजनेस पर्पज के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस पर्पज के लिए भी आपको एड्रेस बुक, यहाँ पे व्यूज़ पे जाइए और ग्रिड लाइन शो करा दीजिए तो आपको सारा दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे आपको सारे कॉलर्स ये दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अगर ये बैकग्राउंड को आप यहाँ पे होम पे जाके, सॉरी कहाँ यार, इंसर्ट
होम पे जाकर यहाँ पे आप दूसरे कलर का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत आसान है कि इसको कैसे आपको मैनेज करनी है, तो इस तरह से आप चाहें तो कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। कैश फ्लो सीट है, जीएसटी इनवॉइस सीट है, तो चलिए अभी फ़िलहाल इसमें आपको और भी कुछ मेन्यूज कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है। तो आप पहले मान लीजिए कि सीरियल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, और कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल, मोबाइल लिख दिया। तो इस तरह से आपने बना दिया। अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक लिखना है, दो लिखना है, तीन लिखना है, जैसे भी हो इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें दो को, दो कॉलम सेल को आप चूज़ करके आप ट्रेवर्स कर देंगे तो एक ही बार में आपको पूरा नंबर एक्सेस हो जाएगा। जैसे इसको ट्रेवर करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप माउस को लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे छोटा बॉक्स टाइप का बन जा रहा है। इसको आपको बहुत अच्छे से पहचानना होगा और यहाँ पे खींच देंगे तो आपको पूरी वैल्यू को रीजनरेट डायनेमिकली स्ट्रक्चर में आपको नंबर को क्रिएट करके आपको दे देने वाला है। इसको आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस आपका दिया हुआ है। अब आप इसमें चाहते हैं कि एक और आपने फादर नेम भूल गए तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करने के तो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करके आप और चाहते हैं कि इसके बीच में आ जाए तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो एक और आ जाएगा। तो यहाँ पर फादर नेम मान लीजिए हमने लिख दिया, नेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कट जा रहा है तो इसको डबल क्लिक कर देंगे यहाँ कॉर्नर पे ले जाकर माउस दोनों साइड में, तो ऑटोमेटिक इसकी मैक्स विड्थ सेट कर लेगा। यानी कि इसको करना बहुत आसान है। इसमें फिर जो भी नंबर लिखना है, पहले वाली को आप चाहें तो यहाँ पे आप जैसे होम में हैं तो इस पर कलर सेट कर सकते हैं, कोई और कलर ले लीजिए, चलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला कलर ले ली, तो आपका इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे मान लीजिए एड्रेस, जिप कोड, अब यहाँ पे आपको पिन कोड, जिप कोड, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है कर सकते हैं। अब सपोजली कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको पहला तो फॉन्ट सेटअप है कि इसका थोड़ा सा बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया, देखिए बोल्ड हो गया, और बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, बहुत आसान है। और इसमें आप टेक्स्ट का कलर भी लाना चाहते हैं तो कोई भी कलर में आप बना सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर में आपको यहाँ पर टेक्स्ट का कलर मिल जाएगा। इटैलिक करना है तो यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं तो ये डबल अंडरलाइन हो सकती है। सारे में यही फीचर इंबिल्ड करना है तो आप मान लीजिए इसको कॉपी करिए फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे हो रहा है, जैसे ही इसको सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया, अब जहाँ पर लगाना है वहाँ पे ये काम कर जाएगा। ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी इनबिल्ट हो जाने वाली है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो आप अपने एक्सेल फाइल में अलाइनमेंट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है तो ये एक साइड में दबा हुआ है, आप चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं, ये चाहते हैं तो यहाँ पे, जैसे कुछ कॉलम्स ऐसे भी होता है तो अब यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये नहीं सेंटर में हुआ तो मैंने इस पर कर दिया, इसको भी चाहिए तो हम सेंटर में कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है हमने सेलेक्ट किया है, ओरिएंटेशन जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ऐसा मैंने कर दिया। अभी इसको भी ओरिएंटेशन हमने वैसा ही कर दिया। चलिए बहुत अच्छा सेट हो गया आपका, ये सेंटर में कर दीजिए। अब हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, ये इसका प्रयोग करते हैं बॉटम बॉर्डर। अभी इसमें देखिए ऑल बॉर्डर सेटअप कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गया। इसको भी घुमा लीजिए, आपका ये बन गया पूरी तरह से। ये आपका हट भी सकता है और ये ऐसे हो भी सकता है, तो बहुत आसान है इस तरह से मैनेज करना। आप एक बार अलाइनमेंट सेट कर लीजिए, देखिए अब आपका बहुत सुंदर बन जाएगा। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को, मुझे ऐसा है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मर्ज सेल और सेंटर करने को इसमें बताया गया है प्रॉपर तरीके से, कि यहाँ पे दो सेलों को या तीन सेलों को एक साथ एक सेल बनाने के काम में आता है। जैसे ये दोनों को हमने ड्राइवर करके ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मर्ज सेल कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये दोनों सेल का एड्रेस एक हो गया, फर्स्ट वाले सेल से उठा लेता है। ये आपका ये सेल सी से है और फाइव को टच कर दिया, तो आपका जो सेल बना ये सी फाइव वाला हो गया। यहाँ पे डी का है, डी फाइव को नहीं लेगा, ये डी फाइव गायब हो गया, इसके साथ जुड़ गया। तो ये सेकेंड वाला जीरो हो जाता है, ये सेल फर्स्ट वाला ही रह जाता है। और इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर कहीं पड़ती है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मेट से एक फॉन्ट भी होता है, इसको जानते होंगे आप लोग, बताने की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन देख लीजिए फॉन्ट से एक बार। यहाँ से फॉन्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको प्रयोग करना है वो फॉन्ट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया तो ये देखिए आपका फॉन्ट कैलवरी फॉन्ट्स है, मैं एरियल फॉन्ट ले लिया, तो देखिए ये आपको यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरह से इसका पूरा सेटअप आप लोग समझ गए होंगे। इतने से आपका काम फिलहाल चलने शुरू हो जाएगा, आप इसको हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट सेल है, डिलीट सेल है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड इसको ना थोड़ा एक बार फिर से सीधा कर देते हैं। सीधा करने का मतलब हटा देंगे, आपका सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कॉलम को पूरा इस तरह से करके ये वाला सेट कर देता हूँ। देखिए कॉलम सीट बन गई। अगर हम चाहें तो यहाँ पे व्यू पे जाके ग्रेडियंट हटा देंगे तो हमारा इतना ही दिखा करेगा, तो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इसको अगर आगे लेके चलते हैं तो हर सेल का एक बार व्यू को ना ग्रीड शो करा दें, हमें काम करने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको हम इस तरह से कर ले रहे हैं। चलिए मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ नंबर्स वाला सेक्शन, क्योंकि ये नंबर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होता है। जैसे आपको टेक्स्ट रीडर होता है, टेक्स्ट को मैनेज करता है एमएस वर्ड को, और एमएस एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, वो आपको नंबर को एक्सेस करता है। नंबर ओरिएंटेड होता है प्रोग्राम, मतलब सारी चीज़ें नंबर को रीड करता है। तो नंबर प्रोसेसर के तौर पे इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई नंबर लिखते हैं, वन लिखते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे ट्रेवर्स करते हैं तो ये क्या होता है कि एक एक करके कॉपी कर लेगा। अगर नहीं करना है, मैं मान लीजिए एक दबाया और साथ में कंट्रोल दबा के देखिए आपका यहाँ तक बन गया।
तीस तरह से नंबर हो जाता है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल दबा रहे हैं तभी हो रहा है, एक दो। अगर दो कॉलम बिना कंट्रोल दबाए अगर हम चूज कर लेते हैं प्रोग्रेसिव, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाता है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। टेबल लिखना है, मान लीजिए कि हमें दो का टेबल लिखना, दो चार, तो कंप्यूटर ये समझ गया प्रोग्राम कि हमें दो चार की ग्रीट करनी है। तो इस तरह से टेबल हो गया, दो चार छः आठ सोलह, ठीक है। दो का टेबल, मैं सात का टेबल बनाता हूँ, सात एंड चौदह, चौदह का बनाया। अब दोनों को एक बार में सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे तक ले आ देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिए ये सात का पहाड़ा टेबल तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसमें कर सकते हैं, बहुत आसान है। और इसके अलावा हम कुछ जैसे कि हम संडे लिख रहे हैं, डेट को भी प्रोसेस करता है, मतलब हमने संडे लिख दिया, कोई भी वीक का डेज लिख सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। वही हम मंथ का भी नाम जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक सारे मंथ के नेम लिख के रख दिया। यानी कि काफ़ी बेहतरीन है, इससे आप जो है अगर डेट वाइज सेटअप करना है, नंबर सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा के अंदर मिल जाने वाला है, इतना आसान है ये। यहाँ पे देखिए हर सेल को आप चाहे तो किसी भी फॉर्मेट में शेड्यूल कर सकते हैं, नंबर हो, परसेंटेज में हो, फिक्शन हो, साइंटिफिक नंबर है, टेक्स्ट है, ये सब बहुत सारे फॉर्मेट्स होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जनरल में ही सारा काम कर लेते हैं, हमें और कोई की आवश्यकता नहीं होगी। बाय द वे अगर कोई नंबर सेटअप करना है तो नंबर फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हैं, जिसमें कि पॉइंट में भी आपको वैल्यू मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर लिख दिया तो अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर वाले फॉर्मेट में ले आते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आपका नंबर वाले फॉर्मेट में आ गया, ये बता दिया कि इतने रुपए, मतलब रुपीस के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, नंबर के पॉइंट में। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी इधर, तो और चार डिजिट में भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से पॉइंट में भी आपका वैल्यू क्रिएट कर देगा। तीस तरह से आपको इस सेल का एड्रेस नंबर वाले फॉर्मेट में होता है। अगर आप चाहे तो जनरल वाले में कर लीजिए, जनरल वाले में आ जाएगा, जिसमें पॉइंट यानी दशमलव संख्या का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता। तो ये आपका पूरा समझ आ गया होगा। ये आप होम में, ये कुछ खास बातें हैं जो ज़्यादा प्रयोग में होती हैं, और ये सेल वगैरह को बढ़ाना घटाना होता है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फंक्शन और फॉर्मूलेज हैं, मैं सीधे आप लोगों को नोट करवा दूंगा और सीधे आप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ फाइंड भी है, बहुत अच्छा एडिटिंग टूल, और सेल्स को बहुत अच्छे से, बाकी ये सब चीज़ें नॉर्मली यूटिलाइज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह आपको नहीं करनी है अपनी, नॉर्मली आपको बना बनाया रेडीमेड प्रोग्राम आपको हम दे देंगे, अदरवाइज आप जो है इसका बना भी सकते हैं, अपने सारी अकाउंटिंग मैनेज और डेटाबेस वगैरह को मैनेज करने के लिए आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको कुछ इंसर्ट वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ, कुछ हद तक बता देता हूँ। जैसे कि आपको इमेज वगैरह कुछ डालनी है, सपोज ली कोई बिल वगैरह बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये है बिल बुक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल बुक खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे टैक्स इनवाइस कंपनी का लोगो। अब यहाँ कंपनी का लोगो कैसे डालेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो कोई कंपनी का लोगो आपका ऑलरेडी जेपीजी पीएनजी फाइल में होगा, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए उसको लोगो वगैरह फोटोशॉप में या फिर जहाँ पे भी जैसे भी हो। मैं एक बार डाउनलोड में देखता हूँ कोई लोगो वगैरह है, फिलहाल कोई लोगो तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट डोंट वरी मैं एक इमेज ही अपलोड करके दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लेंगे, कोई भी जेपीजी पीएनजी इमेज वगैरह आप यहाँ पे लोगों की जगह पे ना रख देंगे, आपका लोगो बिल फॉर्मेट तैयार हो जाएगी। इसको मैं एक बार व्यू पे लेके जाता हूँ पेज लेआउट में,
तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ओहो, बिल का फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें आपको पेज लेआउट में जाएंगे प्रिंट करते समय ना, ऐसा आपको मार्जिन सेटअप करनी पड़ेगी। ये आपका फॉर्मेट देखिए सेट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके चलते ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह बिलिंग का सिस्टम जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये देखिए बिल का फॉर्मेट आपका रेडी हो गया। तो ये आपके फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता कि कैसे हो रहा है, तो आप इसको बना लेंगे तो आपका पूरा सेट हो जाएगा, बहुत आसान है। ये देखिए आप ये वन पेज में आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। आपका ये बिल अब एक पेज पे A4 साइज के पेज पे आपका आ जाने वाला है। तो ये चीज़ें तो बहुत आसान है, इसको आप जो है इमेज वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल नो कर देते हैं इसको। तो ये इमेजेस वगैरह इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई शेप वगैरह भी बनाना तो यहाँ से आप शेप वगैरह ले सकते हैं। और ये चार्ट्स वगैरह है, चार्ट्स मैं आपको बाद में बताऊँगा पूरा अच्छे से कॉलम शेड्यूल करके। फिलहाल इसमें और भी चीज़ें, तो ये इंसर्ट्स मतलब क्या होता है कि बाहर से कुछ भी ले आना है तो अपने प्रोग्राम में अपना ले आके इसमें बिल्ट कर सकते हैं, अपने मतलब जो भी प्रयोग करना है उसको कर सकते हैं। और एडवांस लेवल में जब हम पाइवट टेबल वगैरह बनाना आप लोगों को सिखाएंगे तो उस समय होगा, अभी आप अपने बिजनेस मतलब के लिए प्रयोग करना है, बस इसी लेवल से आपका काम चल जाए, बस इतनी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। पेज लेआउट को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट्स करने हैं, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट्स करना अच्छे से आ जाता है तो आप जो है ना इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि मार्जिन सेटअप, जो पेज व्यू में जाते हैं प्रिंट लेआउट पे जाते हैं तो चारों तरफ से ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये मार्जिन ऐसे पेज पे प्रिंट होगा। ये आपका जेरोक्स वाला पेपर होता है वही साइज का, ये पेज लेआउट में जैसे आप पेपर की साइज देखेंगे तो A4 साइज और लेटर साइज लीगल साइज ये सारी चीजें तीन साइज है ज्यादा प्रिंटर्स में प्रयोग की जाती हैं, जितना भी नॉर्मल प्रिंटिंग होती है जेरोक्स वाली फोटो प्रिंटिंग वाली होती हैं वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन का काम वो या तो लेटर साइज से होती है। अक्सर मार्केट में जेरोक्स वाला साइज होता है वो A4 साइज होता है, तो बाय डिफॉल्ट A4 साइज ही उठा के रखता है सिस्टम, अदरवाइज लेटर साइज में भी आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट सेटिंग दिखती है। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंटेशन जैसे कोड वगैरह के जो पेपर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं जैसे रजिस्ट्री वगैरह के हो गए या फिर कोई आप नोटरी वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह तैयार प्रिंट करवा रहे हैं या एफिडेविट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए जो भी पेपर प्रयोग किया जाता है अक्सर लीगल पेपर, आज के समय में तो सब A4 साइज पे ही कार्य चल रहा है। तो आप फिलहाल डॉक्यूमेंट भी बात नहीं करनी है, बट आपका जो डेटा होगा वो आपके इसी फॉर्मेट में प्रिंट करके आप किसी को दे सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह डेटा वगैरह रखना है और प्रिंट करके देना है तो आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको प्रॉपर मिल जाने वाला है,
तो आप मार्जिन जो होती है पेज के चारों तरफ की मार्जिन सेटअप होती है, जैसे सबसे ज़्यादा नॉर्मल मार्जिन सेटअप होती है ये साइज होती है कि चारों तरफ से इतनी इतनी छूट के पेपर प्रिंट करेगा, क्योंकि कोई भी प्रिंटर आजकल क्या होता है कि बॉर्डरलेस प्रिंटिंग शायद नहीं करती हैं, बहुत कम ही कलर प्रिंटर जो होते हैं बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करती हैं, अदरवाइज सारी नहीं करती हैं। तो इस तरह से अगर कस्टम फॉर्मेट्स आप करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे टॉप में कितनी छोड़ के प्रिंट करेगा टेक्स्ट आएगा, राइट में लेफ्ट में ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको फुटर साइड में टॉप में राइट में ये सारा व्यवस्था इसके अंदर दिया रहता है। तो ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पेज का सेटअप, मार्जिन का सेटअप, हेडर एंड फुटर्स, सीट्स का सेटअप, तो ये सारी सेटिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें सेटिंग आपको नहीं करने की आवश्यकता है, आपको बस केवल सीधे आपका डॉक्यूमेंट का काम हो जाए बस इतना आपको प्रयोग करनी है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन भी है, वो भी पेज सेटअप में आपको दिख गया, यहाँ पे जो हमने पेज सेटअप खोला था तो आपको पेज सेटअप मार्जिन फुटर ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे सबसे एरिया ही बनाया गया ओरिएंटेशन। एक बार इसको आपको समझ लेंगे ना पूरी तरह से और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसको अच्छे से तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि आखिर क्या है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है और नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए प्रयोग करना है इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझते जाइए। उसके बाद आता है मार्जिन ओरिएंटेड साइज, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, ये कोई ज़्यादा प्रयोग की चीज़ नहीं है, फिलहाल आप सेट कर सकते हैं कि इतना ही एरिया प्रिंट हो तो आप प्रिंट करेंगे, बाकी एरिया नहीं प्रिंट होगी, ये चीज़ें आप सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो बस उतना ही एरिया प्रिंट हुआ करेगा, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आते हैं फार्मूला, फार्मूले को मैं एकदम सीधे आसान बनाने का तरीके से आपको बता देता हूँ, फार्मूला कैसे सेटअप करना है, डेटा कैसे सेटअप करना है, और ये डेटा ही समझना है बस केवल, डेटा और फार्मूले को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो बस इसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। डेटा में आपको फिल्टरिंग वगैरह करना सीख लीजिए, बस फिल्टर करना कि कैसे फिल्टर हम लगा के अपने डेटा को, बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे, जैसे क्या होता है थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, अब जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं फिल्टर को प्रयोग करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर आ गया, अब यहाँ पे जो चीज़ चाहिए जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे नेम डालते हैं, फादर नेम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, सिटी डालते हैं, तो आप मान लीजिए कि मैंने क्या बनाया RHUL राहुल, JK दिल्ली, सिटी दिल्ली, ठीक है, इसी तरह से जय किशोर MK इस तरह से हम चाहें तो बना सकते हैं, दिल्ली UP LUCKNOW लखनऊ, LUCKNOW कानपुर, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, और आपका
फरीदाबाद। देखिए मैं यहाँ तक कर दिया यूपी, एच आर गुड़गांव। आपका यहाँ पे हम अब कर देते हैं कि नहीं, सारा हटा देते हैं, केवल लखनऊ के कितने हैं, तो आपको दो लखनऊ के बंदे हैं, ये आपको लिस्ट में आ गए। इस तरह से ये फिल्टरिंग यहाँ पे की जा सकती है। ऐसे आप फिल्टर वगैरह करना चाहते हैं तो इस तरह से, आप चाहते कि नहीं यहाँ पे इसको हटा के ऑल कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये केवल यूपी से कितने लोग हैं, तो यूपी से सेलेक्ट कर देंगे तो ये सारे यूपी के लोग दिख जाएंगे कि इतने लोग यूपी से हैं। तो इस तरह से फिल्टरिंग वगैरह किया जा सकता है, बहुत आसान है ये फिल्टर सेटअप। तो ये फिल्टर ऑफ कर दिया हमने और ऑन कर दिया तो भी आ गया, पहले कॉलम में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहा है और ये फिल्टर करने में काम करता है, तो बहुत अच्छा है। इसको आप सर्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा में बस एक ही चीज़ प्रयोग करना है और फार्मूले पे चलते हैं। कुछ और कर लीजिए, रुकिए। इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इतना आपका टोटल हो रहा है। मान लीजिए हमने उधारी के लिए लिख दिया कि ये पर्सन है, इनका ये है, इनका ये पिन कोड, इनका मोबाइल नंबर भी आप यहीं पे इनबिल्ट करना चाहे तो आप इनबिल्ट कर सकते। कैसे करना है, यहाँ पर जाएंगे, होम पे जाकर इनबिल्ट कर देते हैं। एक मोबाइल नंबर भी आप फॉलो अप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको पतला कर लीजिए, ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब इसमें मैं चाहूँ तो इसमें से देख सकता हूँ कितना कैलकुलेट करना है, कितना कैसे करना है, तो फार्मूले के हिसाब से आप इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ बना बनाया फार्मूला आपको मिल जाएगा, ये सब चीज़ों का कैलकुलेटेड फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं आपको फार्मूले के लिस्ट भी आपको दे दूंगा पूरा अच्छे से, उसका प्रयोग करने की विधि भी दे दूंगा आपको इसके अंदर कैसे प्रयोग करनी है। तो ये फार्मूले का प्रयोग यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे करनी है पेड और बैलेंस, मान लीजिए कि इन्होंने पेड कर दिया 10,000 पेड कर दिया, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, ये चीज़ें इक्वल लगाना होगा और ये मूल अमाउंट H2 माइनस ये I2 इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 1,000 की जगह पे इन्होंने 5,000 पे कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये 15,000 हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये फार्मूला को हम यहाँ तक खींच देते हैं। देखिए सारा बैलेंस बचा हुआ है, अगर इसमें पे किया, मान लीजिए इसने 1,000 पे कर दिया, इसने 8,000 पे कर दिया, सॉरी 4,000 मूल अमाउंट से 4,000 पे कर दिया, तो अब क्या हुआ, इसका तुरंत जीरो हो गया, नील हो गया, बैलेंस अमाउंट कितना रह गया, ये ऑटोमेटिक ये जीरो होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें आप जो है इसमें बना सकते हैं। और
करना आसान हो जाएगा आपको। इससे आप हिसाब किताब निकालना, अपने क्लाइंटों का सारा डेटा लेखा जोखा रखना है तो इसमें आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपको किसी अकाउंटेंट या किसी से की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। ये एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको किया गया है। बाकी आपको ले चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको जीएसटी इनवॉइस का दूसरा फॉर्मेट से हमारे पास है, इसमें भी आपको जीएसटी इनवॉइस आपको मिल जाएगी। ये बनाया गया एकदम जीएसटी इनवॉइसेस को प्रिंट कर दिया करेंगे कस्टमर्स को, आपको पूरा टोटल सेटअप हो जाएगा एकदम। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जीएसटी इनवॉइस है जिसमें कि जीएसटी कैलकुलेटेड सेटअप नहीं किया जाता है, इस तरह से इसमें भी आप अपना इनवॉइस वगैरह मैटर डाल के अपना बना देंगे, ऑटोमेटिक एक कैलकुलेट कर लेगा, कैलकुलेट करके राउंड वैल्यूज क्रिएट करके आपको जीएसटी इनवॉइस बन जाया करेगी। इनवॉइस नंबर और डेट और कस्टमर आईडी वगैरह सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर का पूरा डेटा सेटअप कर सकते हैं। तो इसको भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। ईयरली बैलेंस शीट भी बना सकते हैं अपना, जैसा कि कोई अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं होगी, अब नॉर्मली आप जो है सारा चीज़ कर सकते हैं यहीं से। बाकी सीए को अपना हिसाब बना के बैलेंस शीट दे देंगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आपके बिजनेस की पूरी बैलेंसिंग आपको बनाना है तो ये सारा चीज, हाँ, इसको अगर आपको अच्छे से अकाउंटिंग सीखनी है तो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी आके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप पूरी तरह से सीख सकते हैं कैसे अकाउंटिंग वगैरह करनी है एसेट्स का और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप सीख सकते हैं। अदरवाइज ये जो है आपको पूरा अकाउंटिंग शेड्यूल आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा करके आप सीख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी और बहुत आसान है ये सारा सॉफ्टवेयर को मैनेज करके और इसको हैंडल करना। सारा चीज़ आप इसमें दिया हुआ है और ज़्यादा टूल्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। होम में कुछ चीज़ें आप मैनेज करना सीख लीजिए, इंसर्ट में थोड़ी बहुत कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है पेज लेआउट का अच्छे से प्रिंटिंग सेक्शन वगैरह तैयार करनी तो ये कर लीजिए, बस इसके अलावा आपका सारा काम हो जाया करेगा। आप बस एंट्री करिए और मैनेज करते जाइए, बस आपका उसी हिसाब से आपका पूरा बनता चला जाएगा। इस फाइल का हम लिंक आपको दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारी कंपनी जो है, अब हमारे कंपनी के बारे में आप लोग समझिए कि हमारी कंपनी क्या क्या चीज़ है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है एकदम बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हमारा ओएमएस ऑफिस का टूल्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो यहाँ पे देखिए हमारा कस्टमर सपोर्ट सेक्शन बहुत अच्छा है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमारा जो ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। हम लोग प्रॉपर आपको सपोर्ट ट्रेनिंग और हर चीज़ देंगे। तो हमारे पास देखिए तीन तरह की मशीनें सेल आउट होती हैं। सबसे ज़्यादा सेल होता है ट्रिपल एडवांस आईवीआर मशीन। ट्रिपल एडवांस आईवीआर मशीन क्या होता है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक कॉलिंग करने की फैसिलिटी होती है, बल्क में जो है आप मैसेजेस भी शेड्यूल कर सकते हैं, आईवीआर कॉल राउटिंग भी हो सकती है, वेलकम मैसेज कॉलिंग सिस्टम भी बनाई जा सकती है और वॉइस मेल जैसा फीचर्स भी इसके अंदर मिलता है। वॉइस मेल क्या होता है कि जैसे आपकी ऑफिस बंद है तो भी आपका ये मशीन ऑटोमेटिक आवाज़ और सेटअप करती रहेगी। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको उपलब्ध होने वाले हैं। तो आप इसका इस मशीन को चाहें तो अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा बजट नहीं है तो आप हमारा हल्का वाला मॉडल भी ले सकते हैं।
इसमें आपको ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़, IVR, ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होती, बाकी सारे फीचर्स इसके अंदर उपलब्ध है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कॉल सेंटर टाइप का सेटअप करना चाहते हैं या फिर इनबाउंड प्रोसीजर आप रखना चाहते हैं, तो ये हमारा डबल सिम वाला भी ले सकते हैं। ये केवल आपको नॉर्मली आपको एक बेसिक लैंडलाइन टेलीफोन के साथ ज्वाइंट हो जाता है, उसी के जरिए आपका काम करता है। इसमें GSM सिम ही लगती है, टेलीफोन साथ में लगा दिया जाता है, उसी से चलता है। ऑटो डायलर क्या होता है कि आप प्रोडक्टिव डायलिंग करनी चाहते हैं, मतलब आप ऑटोमेटिक कॉल करवाना चाहते हैं, आप एक दो टेलीकॉलर रख लेते हैं और उसके ज़रिए आप टेलीकॉलर से कॉल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑटो डायलर ले लेनी होगी, ऑटोमेटिक कॉल करती रहेगी। जैसे पहले लोग क्या करते थे कि एक टेलीकॉलर रखते थे तो नंबर मोबाइल दे देते थे और नंबर प्रिंट करके दे देते थे, टेलीकॉलर एक एक नंबर डायल कर करके लगाता था, आज भी लोग करते हैं, लेकिन उससे अच्छा कि इस मशीन को ले लेंगे तो मशीन क्या करेगी, ऑटोमेटिक कॉल लगाती रहेगी और कॉल मैनेज करती रहेगी। इसके अलावा हमारा जो आप देख सकते हैं कि हमारी सर्विस सेक्शन कैसा है, जैसे अभी बूस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी ब्रॉट यू बाय वन टाइम इन्वेस्टमेंट IVR मशीन। इन दिस IVR मशीन you can professionally manage all incoming and outgoing calls of your business. You can use more features and facilities like welcome voice calling, IVR call routing, voicemail, outbound voice broadcasting, productive auto dialer and on call recording. For more details call our number. सर्विस की बात किया जाए तो इसमें बहुत अच्छा पेमेंट ऑप्शन, सर्विस एंड ट्रेनिंग, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेक IVR वायर्स, ये सब चीज़ें हम लोग करवाते हैं। पहले मैं एडवांस IVR मशीन के बारे में, मैं आप लोगों को ट्रिपल एडवांस IVR मशीन के बारे में बताता हूँ कि हमारा ट्रिपल एडवांस IVR मशीन कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो आप यहाँ पे खोलने के बाद आपको दिखाई दे दे रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें काम कर रही है। तो इसमें इनबाउंड, आउटबाउंड, बल्क मैसेजिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग इतनी कैपेसिटी होती है कि आप 8 घंटे लगातार बातें करेंगे तो भी 2 साल का डेटा इसके अंदर मिल जाता है। अगर हमारी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो हमारी जो मशीन होती है ये वोल्टी सिम को सपोर्ट नहीं करती है, वोल्टी टेक्नोलॉजी में जैसे जियो सिम, बट हम लोग इसके लिए भी काम कर रहे हैं, जल्दी ही हमारा वोल्टी सिम टेक्नोलॉजी भी आने वाला है। उसके अलावा मशीन कैन एक्सेप्ट 1 कॉल एट ए टाइम, मतलब एक साथ एक टाइम में एक ही कॉल अटेंड करती है। उसके अलावा हमारा जो IVR क्वालिटी होती है काफ़ी बेहतर क्वालिटी की है, मार्केट में आपको बहुत सारे सस्ते वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, सर्विसेज भी नहीं होती, जो लोग सस्ता दे रहे हैं उसकी टीम भी कमज़ोर होती है और ढंग की सर्विसेज नहीं मिल पाती, तो इस तरह की चीज़ों से आप लेकर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि प्रॉपर सपोर्ट एंड सर्विस देते हैं, ठीक है। अपडेटिंग फीचर्स के बारे में भी अपडेट बताते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, हम क्या करते हैं कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, कोई भी समस्या आती है तो हम लोग एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व भी करके देते हैं। अगर समस्या आ रही है कुछ भी, उनके कंप्यूटर में आ रही है, डिवाइस में आ रही है, कहाँ से समस्या आ रही है, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से, उसके अलावा जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है पूरी तरह से जेन्युइन होता है, जेन्युइन गाइडेंस देते हैं, कभी भी फॉल्स कमिटमेंट हमारे तरफ से नहीं दिया जाता है। अब कभी भी हमारे नंबर सेल्स वाले नंबर पे अगर ऑर्डर करनी है तो ये चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सपोर्ट वाले हमारे 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों पे सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह का पूरा सिस्टम बनाया गया है, आपको बहुत अच्छे से इसके मिल जाएगी हेल्प। और देखेंगे तो हमारा जो चैनल है YouTube का, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई गई है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, अब सीधे बूस्ट ब्रेन सर्च करेंगे, BOOSTABRAIN,
बस बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजी। बूस्ट ब्रेन टेक्नोलॉजी brought to you by one time investment IVR machine. In this IVR machine, you can professionally manage all incoming and outgoing calls of your business. You can use more features and facilities like welcome voice calling, IVR call routing, voicemail, outbound voice broadcasting, productive auto dialer, and on call recording. For more details, call our number. भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज बूस्टर ब्रेन केवल सर्च कर देंगे तो भी हमारा चैनल प्रॉपर तरीके से शो होने लगेगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे देगा। हमारा चैनल्स काफ़ी बेहतरीन सिस्टम पे काम कर रहा है और इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी टेक्निकल IVR इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। बाकी हम लोग अभी ट्रेनिंग और सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस भी बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जो है हमारा चैनल आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करने वाला है। तो इसके अलावा हम आपको देखते हैं तो ये हमारा चैनल्स काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहा है आपके लिए और आपके बिजनेस प्रोसीजर के लिए। तो हमें ऐसा है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और हमारे IVR मशीन को भी आप लोग ज़रूर परचेस करिए। और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको बिजनेस से रिलेटेड सारे हेल्प प्रदान कराएंगे और टेक्निकल जैसी कोई एरर्स है, समस्याएं हैं, कोई भी आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प देने वाले हैं। तो थैंक यू। Technology brought to you by one time investment IVR machine. In this IVR machine, you can professionally manage all incoming and outgoing calls of your business. You can use more features and facilities like welcome voice calling, IVR call routing, voicemail, outbound voice broadcasting, productive auto dialer, and on call recording. For more details, call our number. आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजीज डिवाइस है जो कि स्टार्टअप्स वालों के लिए भी काफ़ी यूटिलाइजफुल मशीन है। मतलब मार्केटिंग और सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस चीज़ के लिए हमारे पास मशीन है। ये मशीन क्या होती है और किस तरह से काम करती है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बेसिकली उसका नाम है IVR मशीन, IVR सिस्टम। IVR सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसका कॉलिंग सॉल्यूशन सिस्टम यानी कॉल सेंटर सिस्टम से रिलेटेड मैटर्स होता है। आज के समय में डिजिटल जमाने में ये काफी अच्छा, हर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा बूस्टिंग टेक्नोलॉजीज है। इस टेक्नोलॉजी को हम अगर सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आपका बिजनेस डेवलप कर सकता है। इस चीज को बेसिकली देखा गया है कि बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड कर पाती थी। आज इस टेक्नोलॉजीज को कोई भी स्टार्टअप्स पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसी मशीन मैं लेके आया हूँ। आज मैं इस मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपके बिजनेस को कैसे बहुत कम पैसे में आप सकते हैं और कैसे बूस्ट कर सकते हैं और मार्केटिंग और सेल्स जो पोर्शन होता है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की स्पीड कैसे बढ़ानी है इस चीज के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए, ये आपके पास एक हमारे यहाँ से अगर आप परचेज करते हैं तो एक IVR मशीन बॉक्स आएगा और प्लस साथ में एक बेसिक फोन दिया जाएगा। ये कंप्लीट सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये बहुत सस्ता है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन और जानकारी और प्राइस जान सकते हैं। तो ये मशीन में एक बेसिक फोन जो लैंडलाइन फोन होता है इसको लगा सकते हैं। बेसिकली ये कुछ कॉल्स रिसीव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेसिक फोन का मॉडल हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसा एक बेसिक फोन होता है। ये
ये बेसिक फोन होगा जो कि यहाँ पे इसको एक्सेस करके हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये बेसिक फोन है और इसका एक प्लग होता है जो मशीन में लगाई जाती है, बाहर कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मशीन मैं देने वाला हूँ उस मशीन में लगाई जाएगी। अब चलिए मैं मशीन के बारे में दिखाता हूँ, फोन आपको समझ आ गया होगा। अब आइए दिखाता हूँ, ये जो मशीन है ये IVR मशीन है। इस IVR मशीन को आप खोलते हैं तो इसमें देखिए आपको एक सिम लगाई जाएगी, जो GSM सिम जो फोन में लगाते हैं, ये आपकी बिजनेस सिम होगी। इस बिजनेस सिम को लगाने के बाद इसमें जो है आपको एक एंटीना लगाना होगा। ये एंटीना आपको 2 मीटर लंबा तार होता है, जिसको कि आप लगाना चाहें आप लगा दीजिए, तो आपका फुल नेटवर्क रहता है आपके सिम का। बेसिकली आप जितना लंबा इसको तार को लगाना है इस पीछे साइड में इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए बहुत आसान है इसे इंस्टॉल करना, और इसका जो पेयर है जो फोन में कनेक्ट होगा RJ11 केबल इसको बोलते हैं। RJ11 केबल एक फोन में लगेगा और एक ये यहाँ डिवाइस में लगेगा, अगर कोई कॉल करता तो उस दौरान ये चीजें होगी। साथ में हम एक बैटरी बैकअप देते हैं, लिथियम बैटरी जो 5 से 6 घंटे बैटरी बैकअप दे देती है फोन की। आप अगर इसको लगा देंगे तो ऑटोमेटिक इसी से वो चार्ज भी होगा, क्योंकि ये चार्ज होने के लिए एडाप्टर भी है जो मशीन में लगा हुआ रहता है। मशीन को आप चाहें तो बैटरी ना भी लगाएं तो भी मशीन आपकी चालू हो जाएगी और चलती रहेगी, लेकिन लाइट कटने पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब बंद हो जाएगी कॉल, अगर कॉल चल रही तो कॉल कट हो जाएगी, इसलिए हम लोग साथ में बैटरी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक केबल है, जो केबल हम आपको साथ में देते हैं, जो कंप्यूटर से और इस डिवाइस से कनेक्ट होती है और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं। तो इतना ही आसान एक छोटा सा सेटअप है जो क्या करता है कि IVR सेटअप के लिए होता है। IVR का मतलब अगर कोई कस्टमर कॉल करता है तो पहले आपका कॉल रिसीव होके आपको IVR वॉइस रिकॉर्डेड वॉइस आपकी कंपनी का आप खुद बनाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे ट्रेनिंग के दौरान, जो है हम आपको गाइड करने वाले हैं कि इसको कैसे आप मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें IVR वॉइस आप अपनी कंपनी का बनाइए कि नमस्कार, हमारी कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, सर्विस के लिए 1 दवाएं, सेल्स के लिए 2 दवाएं। और कोई इस तरह से आप 9 डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जैसे आपको सर्विस सेल और कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ इस तरह से आप अलग अलग आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं। इसमें इस मशीन के जरिए वॉइस ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कोई ऑफर किसी को कॉल करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपके रिकॉर्डेड वॉइस ही जाए, आपके पास मशीन ऑटोमेटिक कॉल करती रहेगी लगातार, आपको एक बार सेटिंग कर देनी है और रिकॉर्डेड वॉइस कर देनी है, ऑटोमेटिक वो मशीन कॉल करेगी, वहां पे वॉइस सुनाई देगा, फिर कॉल कट हो जाएगी। 30 तरह का पूरा सिस्टम इसमें आता है और आप चाहें तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को अब सॉफ्टवेयर पोर्शन दिखाता हूँ, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, जो आपकी पूरी चीजें जैसे क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या कार्य कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से मार्केटिंग और सेल्स को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये हमारा GVT सॉफ्टवेयर है, हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन कराते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे हमारे यहाँ से, अगर डिवाइस आप लेते हैं तो ये सारा इंस्टॉल हम लोग करवाएंगे, या हमारे ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के जरिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की वीडियोस नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करके इंस्टॉलेशन असेंबल की वीडियोस आप देख सकते हैं। फिलहाल ये जो होगी सारी चीज़ें आप यहाँ पे जब ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर में आपको क्या हो रहा है कि सारे जितनी भी कॉल आई गई हैं ये सारी चीज़ें टाइम वाइज रिकॉर्ड आपको दिखाई देती है, और यहाँ से ऑटोमेटिक सिंक भी होती रहती है। सिंक होने का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है ये इसमें आता जाएगा कंप्यूटर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो डिवाइस हमने दिखाया था ना उस डिवाइस में सेव होती रहती है, जितनी कॉल आती हैं या जाती हैं सारी कॉल्स जो है होती हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एक वन कॉल जैसे आप करना है तो यहाँ से स्क्रीन से आप वन कॉल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे नंबर डायल करेंगे और कॉल कर देंगे तो कॉल जाने लगेगी, यहाँ डिवाइस से बात हो जाएगी, जो आपका फ़ोन लैंडलाइन वाला उससे कनेक्ट है डिवाइस से। उसके बाद आता है आपको ऑटो डायलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक डायल करना है तो ये सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है क्या होगा कि एक लिस्ट बना देंगे और स्टार्ट डायलिंग कर देंगे यहाँ से, तो ऑटोमेटिक सबको डायल होता रहेगा और जितनी भी कॉल्स जाएंगी वो कॉल्स जो है फ़ोन से बात होती चली जाएंगी,
सॉरी ऑटोमेटिक एक्सेल से आपको अटैच करना हम बताएंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी फ़ोन का और एक एक को कॉल जाती रहेगी। जैसे ही एजेंट आपकी बात करेगा उसके पास फ़ोन रखेगा तो नेक्स्ट कॉल जो है लग जाएगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बात किया, फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया और सारी कॉलें जो है रिकॉर्ड होती रहेंगी। और इसको आप चाहें तो रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑटो डायलिंग सिस्टम। वॉइस ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या होता है कि आप रिकॉर्डेड वॉइस इसके अंदर सेट करते हैं और आप अगर कॉल स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक सभी नंबरों पे कॉल जाने शुरू हो जाती है एक एक करके। रिकॉर्डेड वॉइस, आपका एजेंट नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, आप एक स्लॉट वॉइस रिकॉर्डेड वॉइस यहाँ पे सेट कर देंगे। ये भी सेटिंग करना हम आपको बताएंगे। और इसमें से कोई भी आप वॉइस, जो भी वॉइस आपने बना रखा जिस स्लॉट में रख रखा उसको करके स्टार्ट कर देंगे। और ये हम नंबर अपडेट करना भी बताऊँगा और ये ऑटोमेटिक नंबर अटैच हो जाएगा और सभी पे कॉल जाने लगेंगी। दिन भर में आप लगभग 800-900 कॉल्स अरेंज कर सकते हैं जितनी टाइम की आपकी रिकॉर्डेड वॉइस सबको कॉल जाएगी। उसके बाद आता है मैसेजिंग सिस्टम। आपको बल्क में मैसेज अगर किसी को भेजना है तो यहाँ पे जैसे आपने अटैच कर रखा है यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर वगैरह, एंड नंबर, ये कॉलम नंबर, ये सब डाल के आपको अपडेट कॉन्टैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे लिस्ट आ जाएगी। और इस लिस्ट पर आप जो है यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, जो भी मैसेज टाइप करना है वो चला जाएगा और ऑटोमेटिक सब पे चली जाएगी। इंडिविजुअल मैसेज अगर भेजना है जैसे किसी एक पर्सन का तो इसका यहाँ पर नंबर आपको टाइप करना होगा और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, इंडिविजुअल मैसेज आपका चला जाएगा। तो ये मैसेजिंग सिस्टम भी है। ध्यान रहे कि मैसेजिंग सिस्टम आपके सिम में रिचार्ज पैक वैसा होना चाहिए, मैसेज पैक होना चाहिए, तभी जाएगा मैसेज। उसके बाद आता है यहाँ पे डिलीट करने के लिए, जो रिकॉर्डिंग डेटा है उसको मंथली वाइज आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ईयर में ये किस मंथ का आपको डेटा डिलीट करना है उस मंथ का आप डेटा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है IVR बेस्ड रूटीन। ये इनकमिंग के लिए होता है, आप जैसे ऑन कर देते हैं तो IVR एक वॉइस बजेगी, जो वॉइस अभी सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनिए इसको। तो इस तरह से आप जो है वॉइस, आप IVR वॉइस आप यहाँ पे बनाएंगे। IVR वॉइस बनाने के बाद जो है यहाँ पे ऑन कर देंगे और जितने डिपार्टमेंट आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं उतने डिपार्टमेंट आप बना सकते हैं। 9 डिपार्टमेंट मैक्सिमम इसमें बनाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि कस्टमर जो है आपके नंबर, ये नंबर पे कॉल करता है तो एक वॉइस सुनाई देगा और उसके बाद वो इसमें सेट किया जाएगा कि कॉल के लिए सेल्स के लिए एक दबाएं और कोई हेल्प के लिए कस्टमर केयर से बात करने के लिए 3 दबाएं। इस तरह से जितने डिपार्टमेंट आप बनाना चाहते हैं वो बना देंगे। और एक अगर दबाता है तो एक वाले नंबर पे कॉल डाइवर्ट हो जाएगी, 2 दबाता तो 2 वाले नंबर पे कॉल डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे वॉइस में बनाएंगे उसी हिसाब से कॉल इंटरेक्ट करेगा कस्टमर, तभी तो प्रेस करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी। तो इस तरह से ऑन करके इसको सेव कर देंगे तो ये वाला बजेगा, वेलकम मैसेज नहीं बजेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आपका सेटिंग होती है। इसके बाद आते हैं वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज अगर ऑन करते हैं, यहाँ पे वेलकम मैसेज है तो ये क्या होगा कि आपका जो लैंडलाइन फ़ोन आपने देखा था वो डिवाइस में कनेक्ट होता है तो एक दबा देते हैं, तो एक दबाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, सॉरी। इसमें क्या होगा कि ये कस्टमर अगर कॉल करेगा तो एक वेलकम मैसेज सुनाई देगा कि हमारी कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, हम आपकी कॉल अपने एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कॉल आ जाएगी और बेल बज जाएगी और बात हो जाएगी कस्टमर से सीधे और सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती रहेंगी। और इसके अलावा इसमें पॉपअप सेटअप के लिए भी होता है कि अगर जैसे कि कोई कॉल करता है तो क्या पॉपअप आता है वो दिखाई देगा। सिंकिंग ऑटोमेटिक होता रहेगा, जो आपका यहाँ पे नंबर सिंक होता है कंप्यूटर में आता है। ऑटो लॉगिन भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, बाकी सेटिंग आपको नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए आपको एक वॉइस मेल सेटअप होता है। ये वॉइस मेल सेटअप क्या करता है कि आपका जो डिवाइस में, जैसे ऑफिस टाइम आपका शाम को 6 बजे है तो आपको 24 घंटे वाला लॉट यहाँ पे ऑन कर देंगे और एक वॉइस यहाँ पे अटैच करना होगा इस जगह पे। वॉइस अटैच कर देंगे तो इस वॉइस में आप ये बोला जाएगा कि हमारी ऑफिस अभी बंद है शाम को, आप कृपया सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच कॉल करें। तो उसके बाद अगर कोई को रात में कॉल करता है तो ये वॉइस बजेगी, इससे एक प्रोफेशनलिज्म जनरेट होता है। ये आपके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये IVR वॉइस ब्रॉडकास्टिंग के लिए सेटअप होता है, इंटरेक्टिंग के लिए होता है,
कि आप ये वॉइस सेटअप कर देते हैं तो ये वॉइस ऑटोमेटिक चली जाती है। मैंने बता दिया फ़ोन बुक क्या होता है कि फ़ोन जैसे आप नंबर सेव करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी नंबर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और नंबर डालेंगे, ये सेव कर सकते हैं कभी भी बाय द वे कॉल करने के लिए होता है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं से नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कॉल जाने लगेगी और यहाँ से डाउनलोड कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल से अपलोड भी कर सकते हैं। आप जो है कॉन्टैक्ट अपलोड करना है तो एक्सेल से अपना सेव कर सकते हैं, परमानेंट इस डिवाइस में आप अपना नंबर सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये सेव के लिए ऑप्शन है। उसके बाद आता है सर्च करने के लिए, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे 2 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का या 28 दिन का या अनवांटेड इंटरवल्स के लिए आप जो है यहाँ पे सेटअप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आप डेट यहाँ पे डेट क्लिक करके कि हमें अभी 2 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने, साल भर का सारा रिकॉर्ड्स आपको दिखाई दे तो ये आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आप नाम वाइज, नोट वाइज सर्च करना चाहते हैं, नेम वाइज सर्च करना चाहते हैं, ऐसे सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इनकमिंग के लिए केवल सर्च करना चाहते हैं कि कितनी इनकमिंग आई है तो वो आपको यहाँ पे सर्च करके दे देगा। तो इस तरह से आपको पूरा सेटअप होगा, इस तरह का आप आउटगोइंग इनकमिंग और इस जो रिकॉर्ड्स आए हुए हैं ऑलरेडी, इस रिकॉर्ड को आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है, सर्च ऑप्शन काम करेगा। सेटिंग है, पासवर्ड चेंज करना है, जो लॉगिन करते समय आया था वो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल नहीं चेंज करते हम लोग, काम चल जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।